एंड वेलकम टू सी फाउंडेशन क्लासेस ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बार बार हमारे में डाल रहे हैं कि प्लीज अपलोड अबाउट हाउ डू वी मैनेज ऑल दी सब्जेक्ट ऑफ फाउंडेशन अंडर क्लास ट्वेल्थ क्या आप भी इसी कैटेगरी में फॉलो करते हैं प्लीज लिखे की मेरा भी ऑल्सो yes, है उसको नीचे लिखे हमें समझ में आएगा कि हमारी ऑडियंस कैसी और कैसा कंटेंट हमको अपलोड करना है साथ ही इस वीडियो को लाइक like

7 टू एट मंथ्स का टाइम है एग्जाम तक बट उसमें भी जनवरी फरवरी और मार्च का वक्त मुझे लगता है कि बोर्ड एग्जाम्स में बच्चे को देना ही पड़ता है तो वो वक्त हटा दो उसमें तुम बहुत कम कम फाउंडेशन की पढ़ाई कर पाओगे एज यूजुअल मेरे पास पास्ट पास एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के रिव्यूज uh, का सो आइडियली वी हैव 4 मंथ्स और 5 मंथ्स लेफ्ट व्हिच इज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम जो कि अभी दिख रहा होगा नेट में टाइम बहुत कम है हमारे पास कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन कि क्या ये टाइम सफिशिएंट है ये टाइम सफिशिएंट है अगर आप अब मेरा थर्ड स्ट्रेटजी सुनते हैं थर्ड अकाउंट्स की बात करते हैं सबसे पहले अकाउंट्स में आपको अभी लाइव लेक्चर स्टार्ट करने चाहिए आपको खुद से पढ़ाई करनी चाहिए स्पेशल ट्रांजैक्शन जो पॉइंट है वो आपका हट चुका है बहुत ही अच्छी बात है उम्दा बात है उन बच्चों के लिए जो क्लास ट्वेल्थ के थे तो अभी आप क्लास ट्वेल्थ के साथ साथ अपने एक एक घंटे के लेक्चर करना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज नोट एट डाउन वन वन आवर के लेक्चर्स आप करना स्टार्ट कर दीजिए क्लास ट्वेल्थ के साथ सी फाउंडेशन के स्पेशल ट्रांजेक्शन हट चुका है उसकी जगह जो नए टॉपिक आए हुए हैं उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे आप उसको दस से पंद्रह दिन में कंप्लीट कर लोगे ये मेरा

आगे के चैप्टर्स नए हो गए हैं तो अब हम सी ए फाउंडेशन क्लासेस पे क्या कर रहे हैं बच्चों के वेल uh, वेलबींग well के लिए हम वीकेंड्स पे लॉन्ग लॉन्ग लेक्चर्स रिकॉर्डेड अपलोड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का डेमो लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा मेरे ही चैनल पर आप देख लीजिएगा क्या बढ़िया से मैंने पढ़ाया हुआ है मैं उससे भी और अच्छे तरीके से पढ़ाती हूँ नोट्स वगैरह सब कुछ देती हूँ आपको लेक्चर्स में ही तो देखो लॉ को खुद से पढ़ने की कोशिश मत करना अकाउंट्स कर लो इकोनॉमिक्स कर लो मुझे फर्क नहीं पड़ता मैथ्स कर लो मुझे फर्क नहीं पड़ता लॉ मत करना खुद से वरना लॉ हंड्रेड मार्क्स का रुला देगा इस बार ठीक तो मैं आपको अभी भी कॉमन टॉपिक स्टार्ट कर देने चाहिए फॉर हैव सोगा और वीकेंड पे, तो पे हम फ्रेश रिकॉर्डिंग्स इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के आगे नेगोशिएबल के सारी चीजें अपलोड करते रहेंगे आप वीकेंड्स में न्यू लेक्चर्स कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि सिलेबस पूरा चेंज हो गया कॉमन टॉपिक्स अभी भी ज्यादा वेटेज के हैं और आपको बात बता दूं कि नए टॉपिक्स का तो वेटेज भी अभी तक नहीं आया है राइट right? तो आप मेरी बात यकीन करिए आप

मैथ स्टूडेंट है तो आप जनवरी फरवरी से जब आपका अकाउंट्स और लॉ इधर बीच खत्म हो जाएगा काफी तो आप जनवरी फरवरी से मैथ्स पिकअप करिएगा क्योंकि उस वक्त आपके पास बोर्ड का भी प्रेशर होगा अकाउंट्स लॉ छोड़ दीजिएगा उस वक्त ठीक है नोट्स बनाते चलना वरना मैं तो नोट्स देती हूँ रिवाइज करना सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के बाद बहुत टाइम रहता है यार जून में एग्जाम्स होते हैं इंस्टीट्यूट इसी हिसाब से आपके एग्जाम्स कंडक्ट करता है फिर उसके बाद मैथ्स लार्ज स्टार्ट अगर आपका नहीं है मैथ्स ही नहीं है आपका और आपका ट्वेल्थ भी है तो मैं आपसे कहूँगी कि यार आराम आराम से पढ़ो डिसंबर ट्वेंटी में पेपर देना ठीक है और कॉमर्स भी अगर आपका नहीं है तो डिसंबर ट्वेंटी में देना आप आराम से दो क्लास ट्वेल्थ भी इंपॉर्टेंट है कल को आगे के कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स इंपॉर्टेंट ऐसा तो नहीं कि फेल हो जाओगे या फिर सेकंड डिवीजन आ जाएगा और बस ए फाउंडेशन क्लियर करोगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अब बात करते हैं

आगे का पोर्शन है कहने का मतलब इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग सब कुछ सेम है इकोनॉमिक्स में आगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऐड कर दिया उसका भी डेमो हमारे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं सी एक फाउंडेशन क्लासेस अगर का खत्री इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस डाल दो आ जाएगा तो इकोनॉमिक्स आई वुड सजेस्ट कि आप वीकेंड पे करो तो आपका मैंने प्लान बता दिया आज से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक आपको एक घंटा अकाउंट एक घंटे लॉ देना है ये आपको वीकडे पर देना है सैटरडे संडे आपको अकाउंट्स और लॉ नहीं करना है हमारी क्लासेस भी इस हिसाब से चलती हैं आपको सैटरडे और संडे को न्यू न्यू सिलेबस के लेक्चर्स करने जो कि बहुत छोटा पोर्शन है बहुत कम ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट पोर्शन है ओवरऑल देखा जाए तो सच बता रही हूं और इकोनॉमिक्स आपको करना है ठीक तो ये आपकी है है कोई और डाउट तो कमेंट सेक्शन में लिखो इस तरीके से तुम अपने बोर्ड भी ध्यान दोगे तुम्हारा अकाउंट्स और लॉ भी होता रहेगा न्यू सिलेबस का भी चीजें होती रहेंगी और जैसे ही तुम्हारा बोर्ड एग्जाम वहां पर खत्म होगा तुमने ये चीज पहले से पढ़ रखा है तुम पिक बैक कर लोगे उस टाइम हमारा मैराथन चल रहा होगा उस टाइम हमारा जो है नया बैच भी चल रहा होगा आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो सो पीपल हु पे फी फॉर वन टाइम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है उनको अभी से लाइव बैच

आपको पागल थोड़ी ना होना है आपको आराम से पढ़ना है वो चीज़ों को बेसिक्स को समझते हुए पढ़ना है आराम से अच्छे नंबर स्कोर करके पढ़ना है तो इतना ही बोलना था सीएफ फाउंडेशन क्लासों को सब्सक्राइब करो स्ट्रेटेजी तो एकदम यहाँ पे उम्दा मिलेगी मजा आ जाएगा राइट कोई और दिक्कत हो तो या तो आप लाइव क्लासेस में आ सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं बाय